अपनी चैट्स को बनाओ फिल्मी और लालन टॉप। आ गए हैं लालन टॉप स्टिकर्स। ऐसे मजेदार लालन टॉप स्टिकर्स मिलेंगे बॉबल कीबोर्ड पर। स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड और चैट या कमेंट करें एकदम लालन टॉप स्टाइल। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। सिनेमा शो का नया एपिसोड शुरू हो चुका है। मेरा नाम है जीशा और चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी खबरों पर। Amazon की बिग बजट सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर की जितनी तारीफ हो रही है उतने ही नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोग शो की कास्ट को लेकर रेसिस्ट बयान दे रहे हैं। शो के मेकर्स ने इसी पर एक बयान जारी किया। Amazon ने कहा कि रिंग्स ऑफ पावर की पूरी कास्ट एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़ी हुई है। J.R.R. Tolkien की रचाई दुनिया में हर कल्चर के लोग थे। शो का तीसरा एपिसोड 9 सितंबर को आएगा। टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 का टीजर ट्रेलर आ गया है। इसमें टॉम खतरनाक एयर स्टंट करते दिख रहे हैं। ट्रेलर में कई जामफाड़ एक्शन सीन्स भी है। मूवी जुलाई 2023 में रिलीज होगी। रिपोर्ट्स थी कि हॉलीवुड स्टार इद्रिस एल्बा जेम्स बॉन्ड के रोल में नजर आ सकते हैं, मगर बाद में ये भी खबर आई कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। रिसेंटली एक मीडिया हाउस से बात करते हुए इद्रिस ने कहा, जेम्स बॉन्ड का रोल निभाना मेरे करियर का गोल नहीं है। बॉन्ड का किरदार मेरे पर्सनल गोल को सैटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ ऑडियंस को सैटिस्फाई करेगा। संजय मिश्रा की फिल्म वो 3 दिन का ट्रेलर आ गया। राज आशु के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में संजय रिक्शे वाले का रोल निभा रहे हैं। मूवी को फाल्कन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया जा चुका है। मूवी में चंदन रॉय, राजेश शर्मा जैसे कलाकार दिखाई देंगे। 30 सितंबर 2022 को ये बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। जूनियर NTR और रामचरण की पीरियड ड्रामा फिल्म RRR का कोरियन वर्जन बनाया जा सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक RRR के मेकर्स को फिल्म का कोरियन रीमेक बनाने का ऑफर मिला है, मगर राजमौली ने इस पर क्या जवाब दिया है अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। ममूटी की फिल्म रोरशैक का ट्रेलर आ गया। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होने वाली है। कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक अनजान आदमी रहने आता है और गांव में अजीबोगरीब तरीके से मर्डर्स होने लगते हैं। फिल्म इस साल के अंत तक रिलीज की जा सकती है। अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड का फर्स्ट लुक आ गया है। मूवी में वो चित्रगुप्त का रोल प्ले करेंगे। थैंक गॉड में उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह भी दिखाई देंगी। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर 9 सितंबर को आएगा और मूवी 25 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक USA में बियॉन्ड फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसमें राजमौली की फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। बियॉन्ड फेस्ट ने अनाउंसमेंट की कि इस फेस्ट में RRR, मगधीरा, बाहुबली को 9 घंटे व्यूइंग मैराथन में दिखाया जाएगा। रणबीर कपूर और संजय दत्त की हाल ही में आई फिल्म शमशेरा बुरी तरह फ्लॉप हो गई। ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के दौरान रणबीर ने शमशेरा की असफलता पर बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या बॉलीवुड फिल्मों को इन दिनों टारगेट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा, मैं आपको अपना खुद का उदाहरण देता हूँ। कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती है, इसका सिर्फ यही कारण है कि लोगों को फिल्म का कॉन्टेंट पसंद नहीं आया। अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो वो हिट होगी ही, इसका और किसी चीज़ से लेना देना नहीं। अगर कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो इसके पीछे दूसरा कोई रीज़न नहीं होता। द कपिल शर्मा शो से कृष्णा और भारती के बाद अब कॉमेडियन चंदन प्रभाकर भी अलग हो गए हैं। 10 सितंबर से शुरू होने वाले इस शो में चंदू नजर नहीं आएंगे। मीडिया पोर्टल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक ब्रेक लेना चाहते हैं, इसीलिए शो में दिखाई नहीं देंगे। हंसल मेहता ने अपने अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसका नाम होगा लुटेरे। शो का अनाउंसमेंट वीडियो आज रिलीज किया गया, जिसमें दीपक तिजोरी, रजत कपूर और चंदन रॉय नजर आ रहे हैं। सीरीज को जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं। इसकी रिलीज डेट जल्द अनाउंस की जाएगी। इलियाना डिक्रूज जल्द ही डिजिटल डेब्यू करने जा रही है, जिसे द फेम गेम वाली करिश्मा कोहली डायरेक्ट करेंगी। बताया जा रहा है कि ये फीमेल लीड वाली कहानी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सीरीज BBC के एक फेमस शो का अडेप्टेशन होगा। अगले महीने से इसकी शूटिंग शुरू की जाएगी। बॉबी डियोल ने अपनी अगली फिल्म श्लोक द देसी शर्लॉक की शूटिंग शुरू कर दी है। मूवी में बॉबी डियोल के साथ अनन्या बिरला भी दिखाई देंगी। फिल्म की स्टोरी और प्लॉट को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। फेमस यूट्यूबर भुवन बाम की सीरीज ताज़ा खबर का टीजर आ गया, जिसमें भुवन जबरदस्त एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। सीरीज में श्रेया पिलगांवकर भी दिखाई देंगी। सीरीज को Disney+ Hotstar पर प्रीमियर किया जाएगा। शेमारू उमंग टीवी ने अपने पहले ओरिजिनल शो की अनाउंसमेंट कर दी, जिसका नाम होगा किस्मत की लकीरों से। प्यार, दोस्ती और रिश्तों की इस कहानी को शेमारू उमंग चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसमें ससुराल सिमर का फेम एक्टर वरुण शर्मा, शैली प्रिया, अभिषेक पठानिया जैसे कलाकार दिखाई देंगे। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। आपके लिए इन खबरों को लिखा है हमारी साथी मेघना ने। अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे। शुक्रिया।
इंग्लिश वाली कौन सी फिल्में पक्के से देखनी है ये बताओ। जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें लल्लन टॉप सिनेमा।